सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज मैं आप सबके समक्ष भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के होली के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हम जय कृष्ण संप्रदाय के अनुयायियों को होली का पर्व कैसे मनाना चाहिए, होली के दिन क्या करना चाहिए और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने होली कैसे मनाई थी, इस विषय में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सभी भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान जी के चरित्रों का श्रवण करें। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने दो बार होली का पर्व मनाया हुआ है। प्रथम लीला हमें पूर्वार्ध काल में प्राप्त होती है, जब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कनाशी से भड़गांव नामक स्थान में आते हैं। भड़गांव स्थान पर एक शिवाला होता है, एक शिवजी का मंदिर है, जहां पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी 3 दिन का निवास करते हैं। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भड़गांव में नगर में जाते हैं, एक गांव से जो नगर है, जो बाज़ार है, उस बाज़ार में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी जाते हैं और वहां पर बर्तनों का बाज़ार लगा हुआ है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उस बाज़ार से गमन कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो रास्ते में होली का त्यौहार, होली का जो माहौल है वो माहौल बना हुआ है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या करते हैं, अपने श्री चरण के अंगूठे से, पाँव के अंगूठे से होली की जो राख बनी हुई है उस राख को अपने श्री चरणों के अंगूठे से उड़ाते हैं और कहते हैं होजे रे होजे, अर्थात होली है होली है। ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी होजे रे होजे बोलकर उस धूल को उड़ाते हैं और उड़ाने के पश्चात भगवान जी कुछ समय वहाँ पर व्यतीत करते हैं और बाद में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी वापिस आ जाते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भड़गांव से वसई नामक स्थान की तरफ अग्रसर होते हैं, ऐसा भड़गांव का हमें चरित्र प्राप्त होता है। उस समय भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के साथ इंद्र भट्ट, दादोस और चांगदेव भट्ट इत्यादि भक्त परमात्मा के साथ हैं, जिन्होंने परमात्मा की दिव्य आनंद रूपी लीलाओं का दर्शन किया हुआ है। वो भक्त बहुत ही, जिसे हम सौभाग्यशाली कहें, ऐसे वो भक्त थे जिन्हें परमात्मा ने अपने दर्शन दिए और परमात्मा की दिव्य लीलाओं का जिन्होंने दर्शन किया हुआ है। भड़गांव की ये लीला चरित्र में पूर्वार्ध में 389 और 390 पर हमें प्राप्त हो जाती है। तो जो भक्त इस लीला को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं वो लीला चरित्र में जाकर इस लीला को पढ़ सकते हैं। दूसरी लीला जोगेश्वरी नामक स्थान की है। लीला चरित्र उत्तरार्ध में 24 क्रमांक की जो लीला है, 24 नंबर की जो लीला है, वो होली से संबंध रखती है। सिमुगा सारंग पंडित आचे सिंपने। सारंग पंडित जो हैं वो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के साथ होली का पर्व मनाते हैं। जोगेश्वरी में सुबह का समय हो चुका है और सारंग पंडित भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का पूजा अवसर करने की अति शीघ्र से तैयारी करते हैं। आज सारंग पंडित बहुत प्रसन्न हैं, जो परमात्मा का पूजा अवसर करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। तो सारंग पंडित भगवान जी के लिए उत्तम प्रकार का चंदन लेकर आते हैं और उस चंदन को अच्छी तरह से, उसका चंदन का तिलक बनाते हैं। पुराने समय में जो तिलक लगाया जाता था वो रेडीमेड नहीं हुआ करता था, भक्त अच्छी तरह की लकड़ी चंदन की लाते थे और उसको अच्छी तरह से रगड़कर चंदन का तिलक बनाते थे। तो सारंग पंडित ने भी क्या किया, भगवान जी के लिए उस चंदन की लकड़ी को अच्छी तरह से रगड़कर अच्छी तरह से तिलक बनाया और भगवान जी के पास जाकर भगवान जी के संपूर्ण श्री मूर्ति के अंगों पर उस उत्तम प्रकार के चंदन का लेप किया, भगवान जी को अच्छी तरह से सुवासित कर दिया। उसके पश्चात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का पूजा अवसर होता है, सभी भक्त परमात्मा का अच्छी तरह से पूजन करते हैं। तत्पश्चात सभी भक्तों को भी
चंदन का तिलक लगाया जाता है, सभी भक्तों को भी वो जो प्रसाद रूप चंदन था वो दिया जाता है, और सारंग पंडित भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को पान का विड़ा समर्पित करते हैं, खाने के लिए पान देते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या करते हैं, अपने सिर के ऊपर आकाशी रंग की अर्थात नीले रंग की पगड़ी डालते हैं। जरा विचार कीजिए, वो परमात्मा जो वैसे ही बहुत सुंदर हैं, जब उन्होंने अपने सिर के ऊपर नीले रंग की पगड़ी डाली होगी, वो परमात्मा कैसे दिखाई दिए होंगे। तो परमात्मा ने नीले रंग की आकाशी रंग की पगड़ी डाली और क्या किया, उस पगड़ी के जो कपड़े थे, एक कपड़े को इधर कर लेते हैं और दूसरे कपड़े को इधर कर लेते हैं, परमात्मा कितने सुंदर दिखाई दिए होंगे। उसके पश्चात सारंग पंडित और सभी भक्तों ने भगवान जी को सिंदूर का तिलक लगाया, अर्थात होली के निमित्त परमात्मा को सिंदूर का तिलक लगा रहे हैं। वो अवसर कितना आनंदकारी रहा होगा, हम ये देख सकते हैं कि होली में परमात्मा भी समक्ष है और भक्त भी समक्ष है, परमात्मा का पूजा अवसर हो रहा है। उसके पश्चात सारंग पंडित भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को विड़ा समर्पित करते हैं, जिसके अंदर कपूर, कस्तूरी, पान और सुपारी इत्यादि सामग्री है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को विड़ा समर्पित किया जाता है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उस विड़े का स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के पश्चात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपने भक्तों को लेकर उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पर होली दहन की होती है, होली की राख पड़ी होती है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या करते हैं, अपने श्री चरणों के अंगूठे से, अपने श्री चरण के अंगूठे से, पाँव के अंगूठे से उस होली को, राख को होली रूप में उड़ाते हैं, धूली वंदन करते हैं, और परमात्मा बोलते हैं होजे रे होजे, होली है होली है। जैसे ही परमात्मा ने ये चीज़ बोली तो सभी भक्त उस समय क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ होली का उत्सव मनाते हैं, और होली का उत्सव मनाते मनाते एक दूसरे के ऊपर राख डालते हैं, एक दूसरे के ऊपर सभी भक्त जो हैं वो मिट्टी डालते हैं, कीचड़ डालते हैं। परमात्मा के ऊपर उन्होंने कीचड़ नहीं डाला, भक्त परमात्मा को दृष्टिगोचर करते हुए आनंद से होली का त्यौहार मना रहे हैं। वहाँ पर सारंग पंडित जो कि उत्तम प्रकार का कुर्ता डालकर आए हुए हैं, अंगी डालकर आए हुए हैं, उन्हें किसी ने भी होली का रंग लगाने का या धूल लगाने का प्रयास नहीं किया। तो जब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी देखते हैं कि सारंग पंडित तो वैसे का वैसा ही खड़ा हुआ है, तो भगवान जी कटाक्ष करते हुए क्या कहते हैं कि अरे नागदेव, सारंग पंडित को होली नहीं लगानी, सारंग पंडित को छूना भी नहीं। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का कटाक्ष आचार्य श्री नागदेव जी जान जाते हैं कि परमात्मा क्या चाहते हैं। भक्त परमात्मा के अंतर मन को, परमात्मा की वाणी को, परमात्मा के हाव भाव को अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने सारंग पंडित को भी होली लगाई, जो राख है वो राख लगाई, कीचड़ जो था वो लगाया, और सभी भक्त आनंद से होली के उत्सव को मना रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चिकड़ डालते हैं, कीचड़ डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। तो परमात्मा अपने भक्तों के आनंद को देखकर, अपने भक्तों के उत्सव को देखकर बहुत आनंदित होते हैं कि मेरे भक्त आज कितने प्रसन्न हैं, और भक्त परमात्मा को देखकर आनंदित हो रहे हैं। ऐसे 3 घंटे तक सभी भक्तों ने एक दूसरे के साथ होली का त्यौहार मनाया। अब परमात्मा कहते हैं कि अरे भक्तों, अब बस करो, अब हम चलते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपने भक्तों के साथ होली का त्यौहार मनाकर अपने स्वस्थान पर आ जाते हैं। आने के पश्चात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को मर्दना और मादनी होती है। मर्दना अर्थात भगवान जी के सभी श्री अंगों को उबटना लगाया जाता है, तेल इत्यादि लगाया जाता है। मादनी अर्थात भगवान जी को स्नान करवाया जाता है। तो भगवान जी को मर्दना मादनी हुए, तो भगवान जी का स्नान करने के पश्चात जो तेल बचा हुआ था, उस तेल को
सभी भक्तों ने प्रयोग किया, और जो उबटना बचा हुआ था वो भी उबटना भी सभी भक्तों ने प्रयोग किया, और सभी भक्त भी गंगा में नहाने के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने भक्तों के साथ होली का पर्व, होली का त्यौहार मनाया हुआ है। अब परमात्मा के साथ हम होली कब मनाएंगे ये परमात्मा ही जाने, हम कुछ नहीं जान सकते। उसके पश्चात उत्तरार्ध की ही 27 नंबर की लीला हमें प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत सभी महाजन होली के दिन अपने आप को स्वयं टिक्का लगाकर भगवान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, और एक दूसरे को टिक्का लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, होली लगाते हैं। लेकिन जो लाही भट्ट नामक भक्त है, उस भक्त को किसी ने भी टिक्का नहीं लगाया हुआ है, ना ही पान दिया हुआ है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि लाही भट्ट को टिक्का क्यों नहीं लगाया गया, हे लाही भट्ट तुमने तिलक क्यों नहीं लगाया और तुमने पान क्यों नहीं खाया हुआ है। तो लाही भट्ट भगवान जी से निवेदन करता है कि हे प्रभु, मैं जब तिलक लगाता हूँ तो मेरा सिर दर्द शुरू हो जाता है, और जब मैं पान खाता हूँ तो मुझे वमन हो जाता है, मुझे उल्टी आ जाती है। इसलिए हे ठाकुर जी, ना तो मैं तिलक लगा सकता हूँ, ना ही मैं पान खा सकता हूँ। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, जो होता है वो होने दो, आज तिलक लगाओ। तो भगवान जी आचार्य श्री नागदेव जी को कहते हैं कि ये नागदेव, इसे तिलक लगाओ, जो होगा देखी जाएगी। तो आचार्य श्री नागदेव जी लाही भट्ट को तिलक लगाते हैं, तिलक लगाने के पश्चात उसे बिल्कुल भी सिर दर्द नहीं हुआ, और परमात्मा उसे पान खाने के लिए भी अग्रसर करते हैं। तो लाही भट्ट ने पान भी खाया लेकिन उसे उल्टी नहीं आई, वमन नहीं आया। अर्थात परमात्मा की वाणी के अंदर और परमात्मा के द्वारा बताई गई विधि के अंदर बहुत सामर्थ्य होता है, ऐसा हम जान सकते हैं। होली का त्यौहार हमारे चौथे अवतार श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने भी मनाया हुआ है। तो भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी वृद्धाप्य काल में चले गए हैं, बुजुर्ग हो चुके हुए हैं। होली का पर्व आया, होली का त्यौहार आया, उस दिन छोटे छोटे बालक श्री गोविंद प्रभु महाराज जी से होली खेलने के लिए भगवान जी के द्वार पर आते हैं, और भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी कांपते हुए दरवाजे के पास आए और दरवाजे को खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो दरवाजे बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए भगवान जी से खुल नहीं रहे, और उन दरवाज़ों को एक कुंडी लगी हुई है जिसको परमात्मा खोलने में सक्षम नहीं है। आचार्य श्री माहिम भट्ट जी देखते हैं कि मेरे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को होली खेलने की प्रवृत्ति हो रही है। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज जी होली खेलने के लिए बाहर आते हैं, माहिम भट्ट जी भगवान जी का जो बड़ा दरवाज़ा है उस दरवाजे को खोलते हैं, और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी बाहर आए, और बाहर आकर सभी बच्चों के साथ भगवान जी होली का त्यौहार है वो मनाते हैं। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी उन बच्चों के साथ होली का पर्व मनाते हैं, होली का त्यौहार मनाते हैं, और तालियां बजाते हुए प्रसन्न मुद्रा के अंदर भगवान जी कहते हैं, आओ मेला जाए मनोनी कौन से दटले। तो आचार्य श्री माहिम भट्ट जी समझ जाते हैं कि भगवान जी अपने वृद्धाप्य काल के जो मित्र हैं उनके साथ होली खेलना चाहते हैं। तो भक्त श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को पालकी में बिठाते हैं, और श्री गोविंद प्रभु महाराज जी अपने उन मित्रों के पास जाते हैं जो मित्र भी बूढ़े हो चुके हुए हैं, बचपन के जो मित्र हैं। तो वहाँ पर जाकर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी अपने बचपन के मित्रों के साथ होली खेलते हैं। राख जो गोबर होता है, राख होती है, मिट्टी होती है, चीकड़ कीचड़ होता है, उसके साथ श्री गोविंद प्रभु महाराज जी और सभी होली खेलते हैं। उसके पश्चात होली सिंदूर इत्यादि जो उत्तम पदार्थ कहे जाते हैं, कस्तूरी इत्यादि, कापूर इत्यादि जो पदार्थ कहे जाते हैं, उनके साथ श्री गोविंद प्रभु महाराज जी होली खेलते हैं। उसके पश्चात नगारे बजाए जाते हैं, मृदंग बजाए जाते हैं, और वाद्यों में सभी प्रसन्न मुद्रा में नाचते हैं, गाते हैं और होली खेलते हैं।
इस प्रकार श्री गोविंद प्रभु महाराज जी होली का जो पर्व है वो मनाते हैं। मृदंग, बड़े बड़े कहाल बजाए जाते हैं, बड़ी बड़ी जो घंटियाँ होती हैं उन घंटियों को बजाया जाता है, मृदंग को बजाया जाता है और बहुत सारे वाद्यों को बजाया जाता है। प्रसन्न मुद्रा के अंदर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी होली खेलते हैं। इस प्रकार रात्रि के 12 घंटे होली खेलने के पश्चात श्री गोविंद प्रभु महाराज जी अपने स्वस्थान पर आ जाते हैं और भगवान जी को स्नान इत्यादि करवाया जाता है। उसके पश्चात भगवान जी को नित्य का पूजा अवसर किया जाता है। तो इस प्रकार होली के जो चरित्र हैं संक्षेप में हमने सुने। तो हम जय कृष्णी होली के पर्व के निमित्त करें क्या? तो होली के दिन सभी भक्तों ने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को साक्षी मानकर और भगवान जी की आज्ञा के अनुसार जो विशेष हैं उन विशेषों का वंदन करना है। आज हम परमात्मा के असन्निधान में हैं, साक्षात परमात्मा हमारे समक्ष नहीं है, तो हमने भगवान जी के जो विशेष हैं उनको स्नान करवाना है, देव पूजा को विड़ा समर्पित करना है और उत्तम प्रकार के चंदन का भगवान जी को तिलक लगाना है और होली का जो होली होती है उस होली का तिलक भी भगवान जी को लगाकर भगवान जी को अच्छा उपहार भोजन करवाकर दंडवते डालनी चाहिए। उसके पश्चात आप मंदिर जाएं, मंदिर जाने के पश्चात भी मंदिर की देव पूजा को भी उत्तम प्रकार का तिलक लगाएं, विड़ा समर्पित करें, पान का विड़ा समर्पित करें और विशेषों को थोड़ी सी होली लगाकर जो सगन होता है वो करें और अपने गुरुजनों के समक्ष भी जाएं, गुरुजनों को भी तिलक लगाएं, गुरुजनों को विड़ा समर्पित करें, वस्त्र दान करें, द्रव्य दान करें, अन्न दान करें और अपने गुरुजनों का पूजन करें और होली के पर्व के निमित्त अपने गुरुजनों से शुभकामनाएं लें। तो आज होली के निमित्त आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आओ हम सब होली के निमित्त परमात्मा की दिव्य लीलाओं को याद करते हुए, परमात्मा की दिव्य लीलाओं का स्मरण करते हुए होली के इस पर्व को मनाएं। सभी भक्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा हम सब के जीवन में शांति का, ज्ञान का, प्रेम का, भक्ति का रंग भरें और हमें गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, ऐसी सदिच्छा व्यक्त करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।